हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एवं हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी हमारे साथ हैं और भिवानी में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी नगर परिषद व नगर पालिका पार्षदों की। पूरे सूबे में इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, सर मकसद सबसे पहले ये सवाल, जहां जिस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं मकसद क्या, मोटिव क्या इस तरह की कार्यशाला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर हम हैं वो हमारे सदस्यों के नाते, चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते, तो वो इसी प्रकार के प्रशिक्षणों का जो हमारा एक कार्यक्रम है, प्रशिक्षणों की लड़ी है, उसके कारण से है। और हम लोग हमारे संगठन की भिन्न भिन्न इकाइयों के प्रशिक्षण करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी होता है, हमारे सांसद विधायक ऐसे सबका होता है, जिला परिषद के यानी कि पंचायती राज के स्थानीय निकाय के चुने प्रतिनिधियों का भी होता है। आज इन कुछ जिलों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर भिवानी में था, उस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, एकाएक जो है राष्ट्रीय सचिव उनको बना दिया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी कार्ड खेला गया हो बीजेपी के द्वारा, जिस तरह से जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है? देखिए, विपक्ष के आरोपों पे मैं नहीं जाता, ये हमारा शुद्ध संगठन का काम है। हर 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दोबारा से निर्माण होता है, उसमें बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक के कार्यकर्ताओं में बदलाव होता है जिम्मेवारियों के अंदर। और अभी ओम प्रकाश धनखड़ जी का 3 साल का बड़ा सफल कार्यकाल संपन्न हुआ है और उसकी जगह नायब सैनी जी प्रदेश के अध्यक्ष बने, सामान्य प्रक्रिया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी पहले भी राष्ट्रीय सचिव के नाते उन्होंने बड़ी भूमिका निभाने का काम किया, अब भी उनको एक बड़ी भूमिका दी गई है। निश्चित रूप से ये दोनों हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं और अपने अपने स्थान पर अपना सर्वोच्चम देते हुए और भारतीय जनता पार्टी के काम को मजबूत करने में काम अपना पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी बराला जी नायब सैनी जी के मिलने से? देखिए, निश्चित रूप से नायब सैनी का, क्योंकि 1998 से तो मैं देख रहा हूँ उनको कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता से चल करके बूथ का काम देखते देखते, युवा मोर्चा का जिला का काम, फिर किसान मोर्चा का काम, बीजेपी का जिला अध्यक्ष, फिर विधायक के नाते चुने गए, विधायक के नाते अपनी भूमिका, सरकार में मंत्री के नाते अपनी भूमिका, सांसद के नाते अपनी भूमिका, हर स्थान पर। और अभी वो जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी के, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी अभी वर्तमान तक वो थे। अब इतनी जिम्मेवारियाँ जो कार्यकर्ता निभा करके आता है, निश्चित रूप से उसका एक लाभ अपना संगठन को मिलता है, कार्यकर्ता को मिलता है, पार्टी को मिलता है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय बान जी कहते हैं कि नायब सैनी की वर्किंग से वो भली भांति वाकिफ हैं, साथ ही जो है उनका ये भी कहना है, एक चुटकी ली है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी को सचिव बना दिया गया है, ना जाने कितने सचिव हैं, सचिव का कोई महत्व नहीं है, कोई गरिमा नहीं है। तो आपका क्या मंतव्य है इस तरह से जो बात कही गई? ये लोग अपनी बात कर दिए, इनको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी में एक जो कार्यकर्ता साधारण कार्यकर्ता होता है ना, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका में होती है और ये तो बड़ी जिम्मेवारी इनको केंद्र के अंदर मिली है। और एक चीज़ और है, उनको मुझे लगता है कि हम जो काम करते हैं ना, उनको नीरस लगते हैं, उनको रस आता है लोगों को जात पात के अंदर तोड़ करके राजनीति करें, उनको रस आता है इन बातों में कि धर्म के आधार पर अवैधनिष्य फैलाए जाए, लोगों के अंदर झगड़े करवाए जाए और उनको सपोर्ट की जाए, जैसे अभी इनू के अंदर हुआ था, मेवात के अंदर हुआ था। उनको मज़ा आता है उन कामों में कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कभी जीप घोटाला, कभी बोफोर्स घोटाला, ये घोटाले कर कर के कैसे अपने नेशनल हेराल्ड घोटाले की तो अब आँच हरियाणा तक है, पूर्व मुख्यमंत्री तक भी है, कि कैसे ऐसे घोटाले करके अपना घर भी भरा जाए, अपनी पार्टी के नेताओं को भी का भी घर भरा जाए, उन लोगों को तो इस काम में मज़ा आता है, इस काम में रस आता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो इस प्रकार के संगठन के क्रियाकलाप होते हैं, उनको तो नीरस लगेगा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी कहती है 9 साल बेमिसाल, कांग्रेस कहती है 9 साल में कोई एक काम तो गिनवाओ। हरियाणा नंबर 1 था 10 साल पहले, जब ये कहा गया कि 9 साल पहले जब हुड्डा ने सरकार छोड़ी थी, कांग्रेस कहती है कि तब उस टाइम हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में, आय के मामले में नंबर 1 था और अब अपराध के मामले में, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कि मैं मानता हूं कि 1 नंबर था उस समय हरियाणा। किस चीज में था? किसान की जमीन को अधिग्रहण का डर दिखा करके औने पौने दामों में लूटना और उसके ऊपर अपना मतलब एक एम्पायर खड़ा करना, उनकी जमीन को लूट करके उसका नाजायज लाभ लेना। 1 नंबर था बेरोजगार की जो रोजगार है, नौकरी है, वो छीन करके अपने लोगों को देना, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार भी होना, अपने रिश्तेदारों को भी माला माल कर देना। आप एक बात बताओ
कि कितनी ऐसी नौकरियां थी जो उस समय में दी जाती थी और मेरिट के आधार पर कितने बच्चों को मिली। इस मामले में एक नंबर था। जो गुंडे थे, लोग बदमाश थे, उनको संरक्षण देने में, यानी कि सत्ता के संरक्षण के अंदर गुंडागर्दी, इस मामले में एक नंबर था। व्यापारी का उत्पीड़न हो, संस्थागत तरीके से उत्पीड़न हो, इस मामले में एक नंबर था। ऐसे कितने मामले बताएं जांगड़ा साहब जिसमें हरियाणा एक नंबर था। आज उनके एक नंबर सारे ख़त्म हो गए। आज अगर हरियाणा एक नंबर में है तो वो है लोगों के अंदर एक भय मुक्त शासन देने के मामले में, पारदर्शिता के मामले में, किसान को उसकी फसल का भाव मिले और उसको लाभकारी मूल्य मिले, इस मामले में एक नंबर है। अगर कहीं कोई बारिश के कारण नुकसान हो जाता है तो मुआवजा देने में या फसल बीमा देने में हरियाणा एक नंबर पे है। बेरोजगार नौजवान को मेरिट के आधार पर रोजगार मिले, इस मामले में एक नंबर पे है। यानी कि आज हरियाणा पूरी तरह से एक नंबर पे है और उनका एक नंबर समाप्त हो चुका है। और ना ये हरियाणा की जनता अब इन लोगों को सबक सिखाएगी। हरियाणा की जनता ने देखिए दोनों राज देख लिए, उन्होंने राज देख लिया लूट का भी, खसूट का भी, यानी कि वो मारते भी थे, फटकारते भी थे, रोने भी नहीं देते थे, वो राज भी देख लिया। और अब राज देख लिया कि खुल करके हर आदमी अपना जीवन अच्छे तरीके से जी रहा है, सब प्रकार की जन कल्याण की और विकास की योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंच रहा है, सब लोग प्रसन्न हैं। आज इस प्रकार से एक खुशहाल हरियाणा का जो निर्माण हुआ है उसके चलते मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी अब तो सत्ता के सपने देखने बंद कर दे। 5 राज्यों में चुनाव है, मिजोरम की बात करें, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीजेपी कहाँ खड़ी है? निश्चित रूप से जिस राज्य में हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, उसमें हम अगली बार फिर सरकार बना करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार का। राजस्थान और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें वहाँ से कांग्रेस पार्टी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तेलंगाना में बड़ी ताकत के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी उभर रही है और वहाँ पर भी कमल का फूल खिल जाए ऐसी संभावनाएं लोग वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला आपकी पार्टी के जो है आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, वो कहते हैं कि राजस्थान हरियाणा में जो है सत्ता का ताला जो है उनकी चाबी से खुलेगा। देखिए आज हमारे वो गठबंधन के साथी हैं और कोई ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। राजस्थान के अंदर एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वहाँ दिल से चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सीटों के, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार बना रही है। 25-30 सीटों का टारगेट उन्होंने भी रखा है, तो वहाँ भी गठबंधन अब देखते हैं क्या अच्छा होगा। दूसरा, ईडी भेज दी जाती है जहाँ भी इस तरह की बात आती, राजस्थान की बात, आरोप ये लगाए गए हैं कि जहाँ भी इस तरह से कोई पार्टी ऊपर उठती है तो ईडी भेज दी जाती है। देखिए देश की जनता चाहती है कि जो लोग बेईमान हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं, जिन्होंने जनता के खून पसीने की कमाई लूटी है, वो लूटी गई कमाई वापस लेकर के आई जाए, ये जनता चाहती है। जनता के दिल की बात कर रही है। क्या मैं जनता से ही सवाल करता हूँ आपके माध्यम से, क्या लुटेरों को खुला छोड़ देना चाहिए? क्या लगाम तो कसनी चाहिए? लगाम कसी जा रही, आगे भी कसी जाएगी। सतपाल मलिक जी कहते हैं कि हरियाणा में जो है बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा, ना केवल हरियाणा में बल्कि और दूसरे राज्यों। देखिए सतपाल मलिक जी के साथ मैंने काम किया है, मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष था, वो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, बड़े सज्जन व्यक्ति होते थे, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हुआ है, उनको कैसे बहकी बहकी बातें करते हैं। वो हमारे लिए सम्माननीय थे हैं, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा आपको कि वो किसकी बातों में आकर के ऐसी बातें करते हैं, इस पर उनको गौर करना चाहिए और अपनी पुरानी जो उनकी मान मर्यादा थी उसका ख्याल रखते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। आखिरी सवाल, अगले एक साल में, अभी एक साल बचा चुनाव का, उसमें क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी, इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, वर्कशॉप्स हैं, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की है बीजेपी, ऐसे में और इसको किस तरह से और बेहतर बनाया जाएगा ताकि कार्यकर्ताओं के बीच में जाया जाए, उसको वोट के रूप में तब्दील किया जाए? दो चीज़ चलेंगी इस दौर में, एक संगठनात्मक गतिविधि जिस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं, दूसरी चीज़ संगठन की चलेगी जनता के बीच में मास मोबिलाइजेशन का काम, जनसंपर्क का काम, वो भी चलेगा। ये हमारी दो गतिविधियां संगठन की चलेगी और तीसरी सरकार की चलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सब हमारे सांसद, मंत्री, केंद्र के हरियाणा के सब लोग मिलकर के अपनी सरकार की योजनाओं का, जो जन कल्याण की योजनाएँ हैं, विकास की, उनके क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ेंगे और मिल करके। सीएम का चेहरा तो नहीं बदलेगा? देखिए आज कोई इस बात का सवाल नहीं है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक स्वच्छ, साफ सुथरा, पारदर्शी शासन और तेज गति के साथ विकसित हरियाणा देने में कामयाब हुई है।
शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सुभाष बराला जी, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और सीधे तौर पर दावा है कि ना केवल केंद्र में बल्कि अगले 5 राज्यों में भी जो है जहां पर पहले बीजेपी सत्तासीन थी वहां पर दोहराएगी, रिपीट करेगी, और इसके अलावा तेलंगाना, मिजोरम की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, वहां भी जो है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाएगी, सत्तासीन होगी। साथ ही ये भी कहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस कदर तेजी से प्रदेश को आगे बढ़ाया है, आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।